हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़े हैं। तो लॉजिक गेट में सबसे पहले हम लोग बेसिक गेट के बारे में पढ़े। बेसिक गेट में हमारा कौन कौन गेट आ जाता है, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट, ठीक है, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़े। आफ्टर दैट हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़े और यूनिवर्सल गेट में कौन कौन आ जाता है, एक हमारा नैंड गेट आता है, दूसरा हमारा नॉर गेट आता है, इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल में पढ़े। उसके बाद जो हमारे पास आता है अदर टाइप्स ऑफ गेट, और अदर टाइप्स ऑफ गेट में हमारा एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट आता है, ठीक है। एक्स और गेट में देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। एक्स और गेट को हम लोग कुछ इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी इनपुट हो गया, वाई हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसमें भी देख लें कितना इनपुट कितना आउटपुट हो सकता है। तो इस केस में भी दो या दो से अधिक इनपुट हो सकता है और आउटपुट जो है हमारे पास एक ही होगा, ठीक है। यानी कि इनपुट कितना हो सकता है, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, एंड आउटपुट हमारा हर समय एक ही होगा। मतलब ए बी तो है ही, दो इनपुट है, सी भी हो सकता है, तीन भी इनपुट हो सकता है, चार भी इनपुट हो सकता है, बट आउटपुट हर समय एक ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। हमारे पास आउटपुट और इनपुट के बीच जो रिलेशन होता है इस केस में वह क्या होता है, y इज इक्वल टू ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। मतलब ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, मतलब जो दो इनपुट है हम क्या करें, एट ए टाइम ए को एज इट इज रख दिए, बी पे बार लगा दिए, प्लस ए को पे बार लगा दिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी। इस तरीके से इसको हम लोग आउटपुट इसका ये होगा, ठीक है। एक्स और गेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो कभी कभी एक्स और गेट को ऐसे भी लिख दिया जाता है, ए एक्स और बी, यह एक्स और गेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए एक्स और बी बराबर कितना लिख देना चाहिए, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ठीक है। ये एक्स और गेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ये हमारे पास हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका। तो यदि हम लोग इसका ट्रूथ टेबल यहां लिखें तो क्या क्या होना चाहिए, ए बी इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट है, तो इनपुट 00 01 10 11, ठीक है, ये हमारे पास इसका इनपुट हो गया। देखो 00 पे क्या होगा आउटपुट देख लेते हैं, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो वाई कितना लिखना चाहिए, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो इसमें पुट कर दें, ए 0, 0 इंटू बी बार 0 बार प्लस 0 बार इंटू 0, कितना जाएगा ये, तो 0 इंटू 0 का बार 1 आ गया प्लस 0 बार 1 इंटू 0, ये हमारा 0 आ गया, यानी कि 00 पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। 01 पे क्या होगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो यदि हम लोग 01 पे चेक करें, ठीक है, ए हमारा 0 हो गया, बी हमारा 1 हो गया, तो कितना लिखना चाहिए, ए हमारा 0 है, बी हमारा 1 है, ठीक है। तो 0 इंटू 1 की बार प्लस 0 की बार इंटू 1, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, तो 0 इंटू 1 की बार 0, 0 के बार 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 01 पे ये 1 आ गया। 10 पे क्या होगा, जब ये 1 हो जाए, ए 1 हो जाए, बी 0 हो जाए, तो कितना होगा, ए 1 हो गया हमारा, बी हमारा 0 हो गया, तो ए 1 पे 1 हो गया, बी 0 है, तो 0 की बार प्लस 1 की बार इंटू 0, सिंपल है ना, 1 इंटू 0 की बार 1, 1 की बार 0 इंटू 0, ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हमारे पास 1 1 इनपुट हो जाए, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यही पॉसिबल है, 1 1, ये भी 1, ये भी 1, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 इंटू 1 की बार ए बी 1 बी 1 प्लस 1 बार इंटू 1, कितना आ जाएगा ये, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि जब 1 1 इनपुट होगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि जब सेम इनपुट होता है तो इस केस में आउटपुट 0 हो जाता है। जब दोनों टर्मिनल 0 0 था तो भी वाई 0 आ गया, जब 1 1 था तो भी हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो यही हमारा एक्स और गेट है। तो एक्स और गेट का हमने क्या देखे कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यदि हम एक वे में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स और बी होता क्या है, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, इसके हेल्प से हमने ट्रूथ टेबल इसका ड्रॉ किया, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एक्स और गेट के बाद एक्स नॉर गेट,
ठीक है। एक्स नॉर गेट, ठीक है, एक्स नॉर गेट का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस वे में होता है, यहां एक बबल आ जाता है, ठीक है, ये हमारा एक्स और की तरह था, उसमें एक बबल हम लोग सामने ऐड कर देते हैं, तो एक्स नॉर गेट का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ए इसका इनपुट है, बी इनपुट है, वाई हम इसका आउटपुट हो गया। हाँ, तो ये इसमें कितने इनपुट कितने आउटपुट हो सकते हैं ये बात लिख लें, तो यदि हम लोग ये लिखें तो इसमें जो इनपुट हो सकता है टू और मोर देन टू हो सकता है, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक इनपुट पॉसिबल है, ठीक है। आउटपुट की बात सोचें तो आउटपुट केवल एक होगा, आउटपुट ओनली वन होगा हर समय, ठीक है। इनपुट दो या दो से अधिक, आउटपुट केवल एक ही होगा, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे हमने एक्स और गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था, इसे ही तो होता था, तो इसी वे में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स नॉर का, ए एक्स नॉर बी, ये कुछ ऐसा होता है, एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। किसके बराबर होता है ए एक्स नॉर बी, ए और बी जब इनपुट होगा तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यदि हम लोग इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो क्या क्या लिखेंगे, ए बी इनपुट, वाई हमारा आउटपुट, तो इनपुट 00 01 10 11, यही पॉसिबल है ना। 00 के बारे में सोचो, ये भी 0 ये भी 0, इसमें लगाओ तो 0 इंटू 0 प्लस 0 बार 0 बार कितना आ जाएगा, ये 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 इज 1। 0 1 पे कितना आएगा बताओ, ये 0 1 हो गया, यानी कि a तो 0 है, b भी 1 है, तो a 0 b 1, 0 बार इंटू 1 बार कितना आ जाएगा ये, तो देखो 0 इंटू 1 0 प्लस 0 बार 1 हो गया, 1 की बार 0 हो गया, ये कितना आ गया 0 आ गया, ये 0 हो गया। सेम वे में 10 भी कितना आ जाएगा 0, 11 चेक करो कितना आएगा फिर से, तो यदि तुम 11 चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 बार इंटू 1 बार कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 0 कितना आ गया ये 1 हो गया। तो एक्स नॉर गेट में हम क्या देख रहे हैं कि जब दोनों इनपुट सेम है, या तो 00 हो या 11 हो, उस दोनों केस में आउटपुट हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यही हमारे पास एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हाँ, यदि कोई और स्टडी करे तो हम ये भी बोल देते हैं एक्स नॉर गेट क्या है, एक्स और का एक्स और गेट प्लस नॉट गेट के बराबर है ये, यानी कि यदि हम इसके इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो हम क्या बोलेंगे, एक्स नॉर गेट जो है इज इक्विवेलेंट टू एक्स और गेट प्लस नॉट गेट, यानी कि ये जो है एक्स नॉर गेट, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है, एक्स और गेट प्लस एक नॉट गेट, इसके बराबर होता है ये, ए बी ये फाइनल आउटपुट वाई आ गया, ये ए बी हो गया, ये वाई हो गया, यानी कि एक्स नॉर गेट किसके किसके इक्विवेलेंट है, ये एक्स और गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। आप क्या करो, ए बी इनपुट दो, कोई भी एक दे दो, 00 मान लो 00 देते हैं, 00 दे दिए, देखते हैं 00 के केस में, 00 के केस में एक्स और का आउटपुट क्या होता था, 0, 0 के नोट से पास करिए 1, ये 1 आ गया, देखो 01 01, यदि हम 0 और 1 दे, यहां क्या आ जाएगा एक्स और में 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, नोट गेट से पास किया 0, यही तो 0 आ गया, यानी कि एक्स नॉट गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और गेट प्लस नॉट गेट, मतलब एक्स और का जो भी आउटपुट आया उसको आप नॉट गेट से पास कर दो, फाइनल जो आउटपुट आएगा वो किसके बराबर होगा, एक्स नॉट गेट के आउटपुट के बराबर होगा, ठीक है। वैसे यदि कभी भी हमको दो इनपुट दे के एक्स नॉट गेट का आउटपुट पूछे, हम ये फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, ए एक्स नॉट बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, यही फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि ईजी पड़े, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कुछ बुलियन आइडेंटिटीज हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बूलियन आइडेंटिटीज, ठीक है। तो देखो पहला आइडेंटिटीज जो है हमारे पास ए प्लस बी का बार किसके बराबर होता है, ए बार इंटू बी बार, ठीक है। इसको तुम चेक भी कर सकते हो क्या ये सही है या गलत है। देखो ए और बी यदि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो या तो जीरो होगा या तो वन होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ए को वन मान लेते हैं और बी को जीरो मान लेते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो देखो इसका हम देख रहे हैं क्या यह आइडेंटिटीज करेक्ट है या नहीं। तो वन प्लस ए वन बी जीरो, तो वन प्लस जीरो की बार कितना आ जाएगा, वन प्लस जीरो वन, वन की बार जीरो। क्या देखो ये सही आ रहा है, ए की बार कितना हो गया, वन की बार इंटू जीरो की बार, ये कितना आ जाएगा, ये भी तो जीरो आ रहा है, यानी कि यह आइडेंटिटीज क्या है, सही है। एक तो ये हो गया, दूसरी बात लिखें तो ए इंटू बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, इसको भी तुम चेक कर सकते हो। ए वन मान लो बी जीरो मान लो तो कितना लिखेंगे, वन इंटू जीरो की बार इज इक्वल टू वन इंटू जीरो बार इज इक्वल टू वन की बार प्लस जीरो की बार। वन इंटू जीरो होता कितना है, जीरो, जीरो की बार क्या होगा, वन, वन की बार जीरो, जीरो की बार वन, ये दोनों तो बराबर ही है, यानी कि यह आइडेंटिटीज भी सही है। नेक्स्ट वन प्लस ए कितना होगा बताओ, ए क्या हो सकता है, या तो जीरो या तो वन, तो ए सोचो कि जीरो है तो वन प्लस जीरो जीरो, हम क्या कर रहे हैं कि ए या तो जीरो होगा या तो वन होगा, यही पॉसिबल है। तो ए जब जीरो होगा, ए जब जीरो होगा तो वन प्लस जीरो वन आ रहा है, ए मान लो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वन हो जाए तो कितना होगा, वन प्लस वन, वन प्लस वन भी वन ही होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वन प्लस ए हम क्या देख रहे हैं, हर समय वन ही आ रहा है, तो ये वैल्यू वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो वन इंटू ए ये कितना होगा, ए क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो वन इंटू जीरो जीरो, मान लेते हैं कि ए एक बार जीरो है तो वन इंटू जीरो जीरो, ए मान लो वन हो गया तो वन इंटू वन वन आ रहा है, इसका मतलब जो ए जीरो है तो आउटपुट जीरो आया, वन है तो वन आया, यानी कि क्या हो रहा है, ए इंटू वन ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम ये लेते हैं ए प्लस ए कितना होगा, दोनों सेम है, ए क्या होगा या तो जीरो होगा या तो वन होगा, मान लेते एक बार जीरो हो गया ए, ए की ए इक्वल टू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो, मान लो कि हमने एक बार ऐसा मान लिया कि ए जो है हमारा जीरो है तो जीरो प्लस जीरो भी जीरो होता है, दूसरे बार ए वन मान लो वन प्लस वन भी वन होता है, यानी कि ए प्लस ए हर समय क्या हो रहा है, एक के बराबर आ रहा है, जीरो जीरो को ऐड करें जीरो आ रहा है, वन वन को ऐड करें वन आ रहा है, मतलब ए प्लस ए एक के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट ए इंटू ए ये क्या होगा, ये क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, ए यहाँ जीरो है तो जीरो था, ए इजक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है, ए इजक्वल टू वन मान लो तो वन इंटू वन भी वन आ रहा है, तो ए वन तो ये भी वन, यानी कि ए इंटू ए जो है हमारा किसके बराबर आ रहा है, एक के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटी हम इधर लिख लेते हैं, ए इंटू ए बार ये कितना होगा बताओ, ए इंटू ए बार ए क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, ए मान लेते हैं एक बार जीरो है तो जीरो इंटू जीरो की बार कितना हो जाएगा, ये जीरो आ गया। मान लेते हैं दूसरी बार ए वन है तो कितना आ जाएगा, वन इंटू वन की बार, ये भी जीरो आ रहा है, यानी कि ए इंटू ए बार हर समय क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस ए बार ये कितना होगा, ए प्लस ए बार खुद सोचो, तो ए ए की वैल्यू क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो हम लोग मान लेते हैं एक बार कि ए की जो वैल्यू है जीरो है, ठीक है, एक बार हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो बार कितना हो जाएगा, जीरो बार इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, ए मान लो वन है तो कितना होगा, वन प्लस वन बार इज आल्सो वन, यानी कि ए प्लस ए बार जो है हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ए बार की बार ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, देखो ए की कंप्लीमेंट ए क्या क्या हो सकता है, ए तो जीरो हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं जीरो है तो जीरो का बार तो जीरो पर एक बार क्या देगा, वन, वन पे बार क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि एक बार मान लो कोई ऐसे भी मान सकता है ए इक्वल टू वन, तो वन के बार कितना आ जाएगा, वन का बार जीरो, जीरो के बार वन, यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो जब जीरो था तो जीरो के बराबर आ गया, ए वन रखें तो वन का डबल कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट तो जीरो, जीरो का बोर, यानी कि ए बार के बार एक के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब याद करने की नहीं जरूरत है, अपने आप
देख लो कि हमने क्या क्या चेक करके आइडेंटिटीज हमने यहाँ से लिख दी। हाँ, कुछ आइडेंटिटीज याद भी होना चाहिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, बाकी तो हम लोग खुद ही डिसाइड करके बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मान लो कि हमारे पास एक नैंड गेट है, ठीक है, और ये एक इसका इनपुट ए है, तो वाई आउटपुट है। बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करना है, क्या होगा वाई? हमने एक तो पहले भी पढ़े हैं सेम क्वेश्चन, बट हम लोग बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करना चाहते हैं। देखो ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, आउटपुट वाई। वाई बराबर क्या लिखना चाहिए मुझे? ये क्या है? नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है? एंड करता है फिर नोट करता है, यानी कि यदि कोई नैंड गेट का इनपुट ए और बी है तो आउटपुट वाई क्या होगा? ए बी बार, यही होगा ना, यानी कि जो भी दो इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करके बार लेता है। यहाँ दो इनपुट ए ए है तो ए ए बार। हम अब इसको कैसे सॉल्व करें? हम क्या जानते हैं कि a इंटू ए, अभी हम लोग पढ़े थे बुलियन आइडेंटिटीज में a इंटू ए क्या होता है? a ही होता है, यानी कि दिस इंटू दिस a आ जाएगा, ये बार आ गया, यानी कि y बराबर a बार, यानी कि यह जो आउटपुट आ रहा है वो a बार, जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा आ जाएगा। और हम पढ़े भी थे कि जब नैंड गेट एक नॉट गेट की तरह काम करता है तो उसका जो सर्किट डायग्राम था ये था। तो इस क्वेश्चन को कोई ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकता है, कोई बुलियन अलजेब्रा के हेल्प से भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बुलियन आइडेंटिटीज पे। तो यदि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कुछ ये है कि मान लीजिए आपका पास एक ये हो गया कुछ, हमारे पास ये हो गया कुछ, हमारे पास ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा आउटपुट वाई है। ठीक है, देखो ये हम लोग ये जो सर्किट डायग्राम है या ये जो कॉम्बिनेशन है लॉजिक गेट का, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमको ये पता करना है कि वाई की क्या वैल्यू आएगा इन टर्म ऑफ ए एंड बी। देखो कितना इजी होता है, कोई इस क्वेश्चन को ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकता है, कोई लॉजिक गेट ये बुलियन आइडेंटिटीज के हेल्प से भी सॉल्व कर सकता है। यह ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यह बी है तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। अब देखो ये क्या है? नैंड गेट है। नैंड गेट क्या कहता है? जो भी दो इनपुट है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके बांट दे देता है, यानी कि यहां जो आउटपुट आएगा जो भी इसका दो इनपुट है दोनों को मल्टीप्लाई करके बांट। हम अभी पढ़े हैं a इंटू ए किसके बराबर होता है बुलियन आइडेंटिटीज में? एक के बराबर होता है, तो ये तो a बार आ गया, सही है। सेम वे में इसका दो इनपुट है बी बी बार, क्या हो जाएगा? ये बी बार। अब इसके लिए थोड़ा सोचो, यहां एक इनपुट ए बार आ रहा है, दूसरा इनपुट बी बार आ रहा है, तो वाई क्या होगा? हम क्या जानते हैं कि नैंड गेट का जो भी दो इनपुट होता है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाना होता है, तो यहां दो इनपुट ए बार बी बार का बार। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करें? अब हम इसको थोड़ा बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करें तो क्या कर सकते हैं बताओ? हम अभी पढ़े हैं कि ए बी बार इज इक्वल टू क्या होता है? ए बार प्लस बी बार, यही होता है ना। ऐसा करो मन ही मन, इस कंप्लीट को ए मान लो, इस कंप्लीट को बी मान लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी ये है उसका बार लगा दो। एक तो इसके खुद के कारण है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा आता है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया, प्लस ये कंप्लीट को हमने बी माने हैं, बी तो हमारा ये है इसका बार, तो ए बार का बार ए हो जाता है, बी बार का बार बी, यानी कि जो हमारा यहां वाई आ रहा है दैट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं ए एंड बी, फिर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो ए प्लस बी के बराबर आ रहा है, यानी कि यह कॉम्बिनेशन किसके तरह काम कर रहा है? और गेट की तरह काम कर रहा है।
ये बात हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हम लोग और गेट बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, नैंड गेट के हेल्प से हम लोग और गेट बना रहे थे, तो हमने ट्रूथ टेबल के मेथड से हमने पता किया था कि यह जो कॉम्बिनेशन है यह किसके तरह काम कर रहा है, यह कॉम्बिनेशन जो है हमारा और गेट की तरह काम कर रहा है ट्रूथ टेबल के हेल्प से, यह हम लोग बुलियन आइडेंटिटीज के हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का दो मेथड हो सकता है, या तो ट्रूथ टेबल से या तो बुलियन आइडेंटिटीज से, बट इजी क्या है, ट्रूथ टेबल मेथड है, बट मुझे आना क्या चाहिए, दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, चलो एक और बता कर लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास दो इनपुट है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया, इस दोनों आउटपुट को हम लोग एक नैंड गेट से पास कर रहे हैं कुछ इस तरह से। हमें आउटपुट वाई चाहिए इन टर्म ऑफ ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ बुलियन आइडेंटिटीज। इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट दो वे से सॉल्व कर सकता है, एक तो ट्रुथ टेबल के मेथड से एंड दूसरा बुलियन आइडेंटिटीज के मेथड से। हम बुलियन आइडेंटिटीज के मेथड से यूज करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। बताओ यहां पे क्या होगा इनपुट, सॉरी यहां पे आउटपुट क्या होगा, ए बी इनपुट है, नैंड गेट क्या करता है, जो भी इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करके नोट लगा देता है, यही इनपुट यहां भी जाएगा और यही इनपुट यहां भी जाएगा, ठीक है। अब ये फाइनल आउटपुट वाई क्या आएगा, जो भी दो इनपुट है उस दोनों को ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देता है, फिर ये बार लगा देता है, यही करता है ना, दो ए बी था दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगा दो, इस बार ये दोनों इनपुट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगा दो, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी यूज करो, हम क्या जानते हैं, ए इंटू बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, यही जानते हैं ना, यानी कि ये इसको मनी मन ए मान लो, इसको बी मान लो, ये कंप्लीट बार, तो जो भी ए इसको माने हो तुम ए बार होगा, यानी कि ये हमने ए बी बार को माने इसका बार, प्लस एक तो खुद के कारण है ये, हाँ नहीं तो एक चीज और हम सोच सकते थे, देखो यह क्वांटिटी सेम ही चीज है ना, ए बी बार ये भी है, ए बी बार ये भी है, या यू कहो कि बुलियन आइडेंटिटीज में क्या होता है, ए इंटू ए, यही तो होता है, दो सेम को मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आ जाएगा, ए बी बार इंटू ए बी बार, तो ए बी बार ही तो होगा, दो सेम को मल्टीप्लाई करने से सेम वही नंबर आ जाता है, इसको इसको ये आ गया। अब हम लोग अभी पढ़े थे कि ए बार का बार डबल बार पे ए के बराबर हो जाता था, तो ए बी पे डबल बार किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ आउटपुट वाई आ रहा है वो ए बी के बराबर आ रहा है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यह जो कॉम्बिनेशन है यह एक एंड गेट की तरह काम कर रहा है। पहले भी इस क्वेश्चन को हमने देखे थे बट वहां हमने ट्रूथ टेबल के हेल्प से देखे थे और यहां हम लोग बुलियन अलजेब्रा के हेल्प से देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इस पे, कि क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ए है, ये इधर गया, ये हो गया, और कुछ ये वाई है, ठीक है। इस केस में मुझे आउटपुट चाहिए बाय यूजिंग द बुलियन आइडेंटिटीज, क्या होगा, देखो ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, तो ये भी बी है, ये नॉर गेट है, नॉर गेट क्या करता है, जो भी आप इनपुट दोगे, मान लो कि हमारे पास ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट का क्या ऑपरेशन होता है, ए और बी है तो आउटपुट क्या करता है, ऐड करके नोट लगा देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ए सेम चीज़ है, दोनों सेम को ऐड करके नोट लगा देगा, यहाँ बी बी है तो बी बी को ऐड करके ये करेगा, ए प्लस ए हम लोग बुलियन आइडेंटिटीज में पढ़े हैं, ए प्लस ए किसके बराबर हो जाता है, तो ए के बराबर होता है, यानी कि a प्लस ए, यानी कि ये a बार आ गया, ये हमारा b बार आ गया। अब देखो इसका जो इनपुट है, एक a बार हो गया, दूसरा b बार, अब यह जो आउटपुट देगा क्या देगा, जो भी दो इनपुट है उस दोनों को ऐड करके नोट गेट लगाएगा, यही ना। अब देखो अब थोड़ा सा बुलियन आइडेंटिटीज को यूज कर लो, हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी का बार क्या होता है, a बार इंटू बी बार, इसको मन ही मन a मान लो, इसको मन ही मन b मान लो, तो दोनों के सम का बार किसके बराबर होगा,
जो भी इसको तुमने ए माने थे, जिस ए बार का बार इंटू बी बार का बार, ए बार का बार हम क्या पढ़े हैं, ए के बराबर होता है बी डबल कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर, यानी कि ये ए बी आ गया वाई, यानी कि यह जो कॉम्बिनेशन है किसके तरह काम कर रहा है, यह एक एंड गेट की तरह काम कर रहा है। सेम क्वेश्चन हम लोग लिए थे जब हम लोग नॉर गेट पढ़ रहे थे, तो हम वहां जो है ट्रुथ टेबल के हेल्प से हम देखे थे कि यह कॉम्बिनेशन एक एंड गेट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग यह जो इक्विवेलेंट गेट है या इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है या किसके तरह काम कर रहा है, हमारे पास दो मेथड होता है, एक तो ट्रुथ टेबल मेथड, दूसरा हमारे पास बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करना। ठीक है, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, हमने एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह से गेट का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट गेट का, और हमने एक बार इनपुट ए वन बी वन रखे हैं तो मुझे वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एक बार हम लोग ए जीरो बी वन रखे हैं तो हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ए वन बी वन, ए जब वन हो गया बी वन हो गया, ठीक है वन हो गया, तो वन का नोट गेट जीरो, ये वन है तो ये भी वन, ठीक है क्योंकि बी वन है, यहां से यहां वन ही होगा, ये वाला टर्मिनल यहां है तो ये भी वन, ये वन है ये टर्मिनल यहां ये भी वन, ये क्या है एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है, जीरो वन जीरो वन वन वन, ये क्या है और गेट है, और गेट क्या करता है दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करके आउटपुट देता है, जीरो वन के बदले क्या दे देगा वन दे देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू वन, सही है। दूसरा दूसरा देखो क्या होता है, ए जीरो बी वन है, ए को जीरो रखना है बी को वन रखना एज इट इज, ठीक है फिर देखते हैं क्या क्या चेंज आता है। तो ए जीरो बी वन, जीरो है तो जीरो का नोट वन आ जाएगा, यही जीरो यहां पर आ जाएगा, ये वन है तो ये भी वन ये भी वन, तो ये तो वन दे देगा ये जीरो दे देगा, और वन जीरो का और गेट क्या हो जाता है वन आ जाता है, यानी कि इस दोनों के दोनों केस में जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है वन आ रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि वेव फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास एक लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन है ये, इसका जो इनपुट ए और बी है, इनपुट का वेव फॉर्म हमारा ये है और बी इनपुट का वेव फॉर्म ये है, तो मुझे ये फाइंड करना है कि आउटपुट वाई क्या होगा। देखो हमें ये जो ये है और ये वाला पल्स है, देखो ये पल्स हाई है तो हाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं वन से, जो लो वाला पल्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से, फिर देखो यहां से यहां ये हाई है तो इसको वन से, यहां से यहां ये हाई है तो इसको भी वन से, यहां से यहां ये लो है तो इसको जीरो से, ये हाई पल्स है तो वन से। सेम वे में बी पे भी हम लिख लेते हैं, इसमें देखो ये हाई है तो हाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे वन से, इसमें लो है लो को जीरो से, ये भी लो है तो जीरो से, हाई है तो वन से, लो है जीरो से, लो है जीरो से। ठीक है, पहला काम यही होता है कि हम वन जीरो लिख लो। अब क्या करेंगे, हम हर पल्स में ये इनपुट देकर आउटपुट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब सोचो जब ये वन वन होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ए बी वन है इस पल्स के लिए बात करें, ए बी वन बी बी वन, ये वन ये भी वन, तो वन का नोट जीरो, वन का नोट जीरो। अब ये नॉर गेट है, नॉर गेट में जब जीरो जीरो इनपुट होगा तो ये क्या देगा वन, यानी कि इसमें वन आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी जीरो ये भी जीरो, हम देखते हैं ये जीरो है ये भी जीरो है, तो हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो देखो जीरो है जीरो है, जीरो का नोट वन, जीरो का नोट वन, ये भी वन ये भी वन, तो ये क्या दे देगा जीरो, यानी कि इसमें वाई की वैल्यू जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसमें सोचो वन जीरो है, यानी कि ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू जीरो है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ए वन, वन का नोट जीरो, जीरो का नोट वन। अब ये नॉर गेट है, इसमें जीरो एक इनपुट है, दूसरा इनपुट हमारा वन है, तो जीरो और वन जब इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास इस केस में जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जीरो आ गया। इसमें सोचो वन वन, तो वन वन में हम देखे थे इनपुट क्या आया था, वन वन के केस में वन आ गया था, आएगा भी ना क्योंकि ये भी वन ये भी वन, तो ये जीरो 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 का नॉर वन आ जाता है। ठीक है, जब जीरो जीरो इनपुट हो तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्यों ये भी जीरो ये भी जीरो, जीरो का नॉट वन यहां भी वन, वन वन का नॉट जीरो,
ये हमारे पास जीरो आ गया। वन जीरो पे क्या आ जाएगा, देखो वन जीरो यही तो है, वन का नोट जीरो, जीरो का नोट वन, जीरो वन पे ये जीरो दे रहा है, यानी कि यहां भी जीरो आ गया। यदि हम लोग देखो इस पल्स में y की वैल्यू वन यानी कि हाई वोल्टेज, जीरो मतलब लो, जीरो मतलब लो, हाई लो लो, इस तरह से पल्स मुझे बनाना है। तो ये हमारा हाई हो गया, ये मुझे लो चला गया दोनों के लिए, ये इसमें हाई आ गया, इसमें दोनों में लो है, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कोई वाई जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसका जो पल्स आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है। तो यदि हमारे पल्स टाइप का क्वेश्चन हो, वेव फॉर्म टाइप का क्वेश्चन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली मेरा टारगेट होता है जो दो इनपुट है दोनों इनपुट में 1010 मेंशन कर लो, फिर हर पल्स विड्थ के लिए इनपुट आप देते जाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट का वैल्यू फाइंड करते जाओ। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, हमारे पास हमने एक लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन लिए हैं और इस कॉम्बिनेशन का मुझे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्रॉ ट्रूथ टेबल। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यह इक्विवेलेंट मतलब यह जो लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन है वो किस गेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखो तो हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड है इसका, कोई बुलियन आइडेंटिटीज लगा सकता है, कोई दूसरा ट्रूथ टेबल के हेल्प से भी कर सकता है। तो हम लोग ट्रूथ टेबल के हेल्प से कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ईजी होता है। तो ए बी आउटपुट हमारा वाई, ए बी जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो पर यह क्या दे देगा नैंड गेट, तो वन दे देता है। ये हमारा जीरो, ये भी वन, क्योंकि ये वन यहां यहां हो गया, ये जीरो तो ये जीरो आ गया। जीरो वन, जीरो वन पर नैंड गेट क्या दे देगा वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये जीरो आ गया, यानी कि फाइनल आउटपुट इसका जीरो आ गया। ठीक है, जीरो वन रखते हैं तो कितना आएगा, तो पहले वाला डाटा जो भी था उसको हम लोग इरेज कर ले। ठीक है, तो हमने जीरो और वन रखते हैं, जीरो और वन, तो जीरो वन पर कितना आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी वन, ये भी वन, ये जीरो। तो जीरो वन का नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है वन, तो ये भी वन, ये भी वन, वन वन पे ये जीरो, वन जीरो पे, वन जीरो पे ये वन आ जाएगा, ये वन ये जीरो कितना आ जाएगा वन आ गया, यानी कि वन जीरो पे वन आ गया। ठीक है, वन जीरो पे ये वन आ गया, जीरो वन पे ये वन आ गया, वन जीरो पे कितना आएगा, सेम ही आ जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले का डाटा जो भी है उसको हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आ जाए। तो हमारे पास क्या क्या इनपुट है, ए वन बी जीरो, देखो ये वन तो ये भी वन, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वन आ जाएगा। ठीक है, वन जीरो के लिए क्या दे देगा, ये वन दे देगा, ये वन, ये वन, वन वन के लिए जीरो, वन जीरो के लिए क्या होगा वन होगा, जीरो वन के लिए क्या हो जाएगा वन आ गया, ये हमारे पास वन आ गया। ठीक है, अब इसके लिए सोचो वन वन जब देंगे इनपुट तो क्या होगा, तो पहले का जो भी डाटा है उसको हम लोग इरेज कर दें। ठीक है, तो देखो वन वन तो ये वन है, ये भी वन है, वन वन ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो वन वन का नैंड गेट जीरो जीरो जीरो। ठीक है, जीरो के लिए ये वन, ये वन दे देगा, वन वन के लिए क्या दे देगा, ये जीरो दे देगा, यानी कि ये हमारे पास हो गया। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन ये किस गेट की तरह काम कर रहा है, तो ट्रूथ टेबल से देखो जीरो जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो वन पे वन आ रहा है, वन जीरो पे वन आ रहा है, वन वन पे जीरो आ रहा है, ऐसा किसका था। तो यदि हम लोग देखें तो यह नोट गेट तो हो ही नहीं सकता है, दो इनपुट में नोट गेट हो ही नहीं सकता है, क्या यह एंड गेट है, एंड गेट जीरो जीरो पे जीरो देता है, जीरो वन पे जीरो देना चाहिए, नहीं है। और गेट है क्या, तो वन वन पे और गेट में वन आता है, ये और गेट भी नहीं है। क्या ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट भी नहीं है। ये नैंड गेट में क्या होता है, जीरो जीरो पे वन आता है लेकिन वन यहाँ नहीं है। क्या ये नॉर गेट है, नॉर गेट में क्या होना चाहिए, यहाँ जीरो जीरो होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो हम देखते हैं क्या एक्स और गेट है क्या, तो एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता था, तो ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, यही तो आता था। तो यदि हम लोग इसका ट्रूथ टेबल याद करें एक्स और का, तो ए बी वाई होता था जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, क्या होता था, जीरो जीरो पे ये क्या दे देगा जीरो, जीरो वन पे ये क्या हमें दे देगा वन, वन जीरो पे वन,
और 1-1 पे क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। देखो ये एग्जैक्टली इससे मैच हो गया, यानी कि यह जो कॉम्बिनेशन है किसके तरह काम कर रहा है, एक्स और गेट की तरह। ठीक है, तो यदि यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल देखेंगे किस गेट से एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो एक्स और गेट से मैच हो रहा है तो हम पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन किसके जैसा है, ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन एक एक्स और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या कर सकता है कोई, एक तो हम ट्रुथ टेबल से बना लिए, दूसरा कोई ये भी सोच सकता है कि हम लोग बुलियन अलजेब्रा से बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करके बनाए। ठीक है, बट वह मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम केस में हम लोग ट्रुथ टेबल मेथड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से कर सकते थे, एक तो बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करके एंड दूसरा ट्रूथ टेबल से। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ऑलवेज हम लोग ट्रूथ टेबल मेथड को प्रेफर करते हैं बिकॉज वह इजी होता है। ठीक है, थैंक यू।